नमस्कार, इन्हें सुनाओ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के सीहोर के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची को करीब 52 घंटे के बाद बाहर निकाल लिया गया है। उसे रोबोटिक टेक्निक से बाहर निकाला गया है। फिलहाल एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोबोट टीम के प्रभारी महेश अहिर ने बताया कि जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो वो बेहोश थी, किसी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। आगे डॉक्टर ही बता पाएंगे। हमने रोबोट के डेटा के साथ सेना NDRF की मदद से पूरा रेस्क्यू किया है। बच्ची के बाहर आते ही डॉक्टर ने बच्ची को लिया और एम्बुलेंस में लेकर उसे अस्पताल के लिए रवाना हो गए। बता दें कि सृष्टि नाम की 3 साल की ये बच्ची मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे खेलते खेलते खेत में बने बोर में गिर गई थी। उस वक्त 29 फीट गहराई पर अटक गई थी, लेकिन रेस्क्यू के दौरान हुई खुदाई के कंपन से वह नीचे खिसकती गई। मौके पर SDRF, NDRF और आर्मी की टीम रेस्क्यू में जुटी थी। गुरुवार को सुबह 9 बजे दिल्ली की रोबोटिक टीम भी मौके पर पहुंचकर अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन दोपहर के बाद तेज हवा और बारिश होने से रेस्क्यू प्रभावित भी हुआ। रोबोटिक टीम ने सांप करीब 5:30 बजे बच्ची को बाहर निकाला और फिर अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मेरी और पूरे नेशनल की टीम की तरफ से हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उस बच्ची की आत्मा को शांति दे और परिवार को इस आघात को सहने की शक्ति दे। नमस्कार।